नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है और शरीर में ब्लड शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। टेनेलिग्लिप्टिन एक सॉल्ट नेम है। टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट को एफोग्लिप, ग्लिप्टेन और टेनेफिट आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, सीने में जलन होना, उल्टी आने का मन होना, कब्ज होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना, चक्कर आना, जुखाम होना, गले में खराश होना और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कम हो सकता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चकराना, शरीर में कंपन, कंफ्यूजन होना और भूख का ज्यादा लगना आदि लक्षण शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहद, चीनी, ग्लूकोज टैबलेट या फलों के जूस आदि में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट को कैसे लेना।